नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज की हमारी तैयारी हो रही है यहाँ से हॉस्पिटल से किष्किंधा नगरी के लिए, जो कि है यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे। और हम नहा के बिल्कुल रेडी हो रखे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और मेरे साथ है दो भाई लोग, और हम चलेंगे इधर से थोड़ी देर बाद। आप अभी हम बाहर रोड पे जा रहे हैं, मेन रोड पे, वहाँ से ऑटो लेंगे और सीधा निकलेंगे किष्किंधा नगरी की ओर। आप बने रहें वीडियो में, आपको आगे दिखाएंगे वहाँ का सीन, वहाँ का नज़ारा। बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहें। और एक मंदिर यहाँ पे भी है श्री बजरंगबली का, हमारे रूम के बाहर, वहीं से दर्शन करते। चलिए जी, अब हमने ऑटो ले लिया है यहाँ पे, हम निकलते हैं सीधा इधर से किष्किंधा नगरी की ओर, जो कि है 30 किलोमीटर की दूरी पे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए उस जगह पे, और किष्किंधा नगरी जहाँ का नाम है। अभी हम जा रहे हैं और ऊपर जाना हमको। अभी यहाँ से दिखाता हूँ आपको मंदिर, ये लोकेशन दिख रही है वहाँ पे ऊपर की तरफ। यहाँ जाना है हमको, यहाँ से कम 3 किलोमीटर की दूरी पे है ऊपर, और 575 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी यहाँ से पैदल ऊपर जाने के लिए। तो आप बने रहे ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे। जय श्री राम, आगे देखते रहे वीडियो में। और ये यहाँ की मार्केट, यहाँ से थोड़ा प्रसाद वरसाद ले लेते हैं, थोड़ा फूल फाल ले लेते हैं, धूप बत्ती वगैरह, चलते हैं फिर आगे की ओर। आप बने रहें ब्लॉग में। और यहाँ पे देखें गौ माता के दर्शन भी हो गए, जय गौ माता। और चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ से लगता है मेन गेट, यहाँ से मेन गेट प्रारंभ हो चुका है, और इधर से सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे हम। जय श्री राम, आज किष्किंधा नगरी की ओर आप लोगों को भी दिखाएंगे उधर का नज़ारा। और ये यहाँ से प्रारंभ होता है किष्किंधा नगरी, जहाँ पर श्री हनुमान जी का जन्म स्थली और भगवान श्री राम का मिलन हुआ था बजरंगबली से, उसी जगह पे जा रहे हैं हम आज। तो अभी काफ़ी ऊपर जाना है हमको, भाई लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ। तो चलते चलते अभी 575 सीढ़ियाँ कंप्लीट करनी है, इसके बाद पहुँचेंगे हम ऊपर। और ये यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए, पूरा किष्किंधा नगरी दिख रही है यहाँ से। और अभी हमको ऊपर पर्वत पे जाना है, जहाँ से दिखते हैं ऋषिमुख पर्वत और बाली की गुफा, बाली का साम्राज्य, सब वहीं से दिखता है। तो आप लोग बने रहे वीडियो में। और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे, बिल्कुल जाम हो रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर पर्वत, बीचों बीच जाना पड़ता है गुफाओं के बीचों बीच। आप देखते रहे ब्लॉग में, अभी आगे आपको और दिखाएंगे। प्रसाद ले लिया थोड़ा, बस अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से नीचे का नज़ारा देखो, श्रद्धालुओं की भीड़ देखो, लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ से गुफा में घुसना होगा अंदर से, यह गुफा है, यहाँ से गुफा के अंदर जाना होगा। इधर से बीचों बीच रास्ता है आगे की ओर ऊपर मंदिर तक जाने के लिए, गुफा से अंदर होके जाना पड़ता है। काफ़ी शानदार, काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप लोग भी जरूर आइएगा, बजरंग बली का दर्शन लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे भीड़ देखिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और चाचा का प्रसाद भी यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए नीचे का। फाइनली हम पहुँच गए मंदिर पे, मंदिर में आगे, और मंदिर के अंदर वीडियो
ग्राफी अलाउड नहीं है, तो अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं बाहर से नज़ारा। अभी हमने अंदर से दर्शन कर लिया है दोस्तों, अंदर काफ़ी सारे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं पत्थर की, हनुमान जी की, और 20 किलो का पत्थर अंदर पानी में तैर रहा है, जो कि हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया शानदार नज़ारा है अंदर का, अंदर प्रसाद चढ़ा दिया हमने, बाहर नारियल फोड़ दिया है दोस्तों। ये देखिए शानदार नज़ारा, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए नहीं दिखा पाया, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए बाहर से दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को। देखिए बाहर से देखिए श्री बजरंगबली का मंदिर, किष्किंधा नगरी में, शानदार नज़ारा, गजब का, अद्भुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे किष्किंधा नगरी का। और श्रद्धालु देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ में आ रखा है। अभी हमने प्रसाद ले लिया, थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पे। और नीचे देखिए प्रसाद नारियल देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में चढ़ते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थे इसलिए नहीं दिखा पाया, थोड़ा यहाँ पे तिलक वलक करते हैं। और ये है यहाँ पे हवन कुंड, देखते रहिए वीडियो में। और यहाँ पे पंडित जी थोड़ा तिलक वलक करते हुए, ये हमारे गढ़ वाली पंडित जी हैं। हमने तिलक तुलक कर दिया दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, अब बड़े बड़े पर्वतों, बड़े बड़े गुफाओं के अंदर चलते ले चलते हैं आपको, जहाँ के बड़े बड़े पत्थर हैं पीछे बैक साइड में, इसके बैक साइड में ये देखिए, ये इसके बैक साइड में बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े गुफा सामने दिख रहे हैं आपको। ऋषिमुख पर्वत है यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे महावती सूर्य रहता था, और जिस जगह पे अभी हम हैं वहाँ वह बाली का साम्राज्य है। और इधर से आगे की तरफ दिखाते हैं मुझे आपको, बैक साइड में जाके ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, सतयुग के टाइम से आई है, काफ़ी शानदार नज़ारा दोस्तों यहाँ पे, जीवन धन्य हो जाते हैं यहाँ आके। और आज देखें काफ़ी शानदार नज़ारा है, धूप लगी हुई है अच्छे से, नज़ारा देखिए आप, भीड़ भाड़ देखिए, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि विदेशों से भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे की ओर, पीछे बैक साइड में, जहाँ बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े चट्टान हैं, ये हनुमान जी के दर्शन हो गए यहाँ पे। देखिए हनुमान जी की सेना, ये देखिए हनुमान जी की सेना यहाँ पे, ये बजरंगबली, बहुत शानदार नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए श्री हनुमान जी के सेना यहाँ पे चलते हुए, और ये देखिए दोस्तों क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़ी गुफाएं हैं इधर, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, ये देखिए वीडियो में देख सकते हैं आप, बहुत शानदार नज़ारा है, गजब का नज़ारा है यहाँ पे, बड़े बड़े चट्टान है, किष्किंधा नगरी जो पड़ता है कर्नाटक में। आप वीडियो में देख सकते हैं शानदार अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। अभी आगे और वीडियो में देखते रहे, एक तालाब है यहाँ पे जो कि कम से कम 10 से 15 फीट गहरा है, ये तालाब है दोस्तों यहाँ पे, कम से कम 15-20 फुट गहरा है, ये पत्थरों के ऊपर ही बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और चाचा यहाँ पे पानी पीते हुए, बहुत गहरा है दोस्तों। और अभी हम आगे नीचे
चलिए दोस्तों, अभी हम वापस आ गए हैं वहाँ से। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।